साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज हम मैथ का एक ऐसा टॉपिक को पढ़ाएंगे, आपको आपके साथ मैं पढ़ूंगी और आप पढ़िएगा, जो टॉपिक अक्सर एग्जाम में छोड़ देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक नंबर हमें गेन करना एग्जाम में, एक एक नंबर चुराना, यही हमारी मेरिट तक का जो सफ़र है उसको ईजी बनाता है। उसको आज हम कहते हैं लॉगरिदम, लॉग जिसको हम शॉर्ट भाषा में कहते हैं। लॉग का क्वेश्चन अक्सर लोग छोड़ दिया करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि लॉग जो लॉगरिदम है इसका फादर किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ लॉगरिदम कहा जाता है जॉन नेपियर को। किसको कहा जाता है? जॉन नेपियर को, ठीक है। आइए इसका कुछ फॉर्मूलाज है वो मैं बताती हूँ। देखिए ए टू दी पावर एन, इसको हम एक्सपोनेंट सीरीज कहते हैं, यानी घात वाली संख्या। ऐसा जो संख्या दिखता है उसको हम क्या कहते हैं? घात वाली संख्या। देखिए टू टू दी पावर फाइव इज इक्वल टू क्या होता है? 32। दो के पावर पाँच क्या होता है? 32। दो के पावर होता है 6, कितना? 64। तो दो जो होता है बेस, पाँच जो होता है वो होता है पावर, और 32 जो है वो रिजल्टेंट होता है, उसको रिजल्टेंट के नाम से जानते हैं। एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि ए टू दी पावर एक्स बराबर एन होता है, तो इसको हम लॉग में कैसे करते हैं? एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर माथा पर, जैसे बचपन में आप लोग गोबर उठाए होंगे या कुछ किए होंगे, तो माथा पर ऐसे गोबर का दौरी रखते हैं ना, फेंकते कैसे? ऐसे गोवा या गोबर कुछ फेंके होंगे ना, तो लोग ऐसे फेंकता है, जो हमारा दौरी होता है उसको नीचे फेंकते हैं। तो देखिए ये जो है ना ए टू दी पावर एक्स, ये पावर है ना, इसको नीचे फेंक दीजिए, ठीक है। तो देखिए तो ये अपना स्थान को चेंज कर देगा, इसको जैसे ही माथा पर से दौरी होगा को नीचे पटक किएगा तो एक्स आ जाएगा यहाँ और एन आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो लॉग एन, ठीक है, लॉग एन बराबर एक्स, यही होता है। जहाँ पे ए इज ए बड़ा होना चाहिए एक से, और ए कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए क्या कि एक के। तो देखिए मेरे दोस्त मेरे साथी, एक के बराबर नहीं होगा और एक एक से बड़ा होगा तो, और एक के बराबर भी नहीं होगा, यानी दो होगा, ए बराबर दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉग ए टू दी पावर एन बराबर एक्स, तो इसको क्या करेंगे? तो ये जो ए टू दी पावर एन है, ये दौरी पर जो माथा पर जो गोबर रखे उसको पटकिएगा, तो ए टू दी पावर जो एन है, एन इधर आ जाएगा और ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ए टू दी पावर ई वाला एक्स आ जाएगा ऊपर उठ के, और जो ये एन है वो नीचे आ गया उठ के, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे, लॉग टू टू दी पावर 64 बराबर एक्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दो के पावर 64 है तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त, तो क्या होगा? तो देखिए टू टू दी पावर, देखिए दो के पावर 64 जैसे ही पटकिएगा तो 64 यहाँ आ जाएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ, तो दो के पावर ई वाला एक्स ऊपर यहाँ आ गया और 64 यहाँ आ गया। अब देखिए दो के पावर एक्स, तो 64 को हम लिख सकते हैं दो के पावर 6 लिख सकते हैं, जब आधार सेम होता है तो आधार को कट करके और जो पावर में जो होता है उसको बराबर कर देते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि 64 दो के पावर 6 होता है, दुक्का दो, दो दुनी चार, दो तिहाई छः, नहीं दो दूना चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो दो के पावर यहाँ पर 6 हुआ, जहाँ तो ये बेस समान हो गया, तो बेस से बेस को कट कर देंगे तो एक्स बराबर एक्स, यानी पावर बराबर पावर, तो एक्स बराबर 6 हो गया आपका आंसर। कुछ फार्मूलाज है, देखिए लॉग एम गुने एन, क्योंकि यह घातांक और करनी का ही भाग है मेरे दोस्त, तो आपको उस वाला ही फार्मूला पे इसको पूरा को पूरा लेकर चलना होगा। लॉग एम गुने एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, आप लोग घातांक और करनी में लॉग एम गुने एन, तो बराबर लॉग एम प्लस एन होता है मेरे दोस्त। यह एक फार्मूला है जिसको आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए, लॉग एम बटे एन, या फिर लॉग एम भागे लॉग एन बराबर क्या होता है? तो लॉग एम माइनस लॉग एन। तो देखिए अगर अगर घातांक और करनी में आप लोग पढ़े होंगे तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान होगा कि पावर बेस अगर समान हो और पावर, तो पावर जुट जाता है, बेस अगर समान हो तो पावर जुट जाता है, और बेस समान हो और भाग में हो तो वो घट जाता है, पावर घट जाता है। तो देखिए लॉग एम गुने एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, लॉग एम बटे एन, या लॉग हम लॉग एम बटे एन को लॉग एम भागे लॉग एन भी लिख सकते हैं, तो यह जब भाग में है तो भाग में घट जाएगा। तो ये सारा का सारा चीज़ आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियोज़ में इतना ही, इसका जस्ट सीरीज एक पार्ट टू करके आएगा जो ज़रूर देखिएगा, इस लॉगरिथम का और विस्तार से जानकारी और विस्तार से वीडियो। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इस वीडियोज़ में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।